ये था मेरा आज का हॉल. आई होप कि सारे वेलकम बैक टू माय चैनल. सो दोस्तों आज के वीडियो में ना मैं अमेजोन हॉल शेयर करने वाली हूँ बिकॉज अभी 22 तक जो फेस्टिवल सेल चल रही थी अमेजोन पे उस पर मैंने कुछ चीजें शॉपिंग की. कुछ अपने घर के लिए भी चीजें ली और कुछ मैंने अपने पर्सनल चॉइस से ली अपने लिए मतलब ली. सो मैं जो अपने लिए चीजें ली वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ जिसमें मैंने कुछ ज्वेलरी शॉपिंग की थी और कुछ मैंने क्लोथिंग की थी. बहुत बड़ा शॉपिंग हॉल नहीं होने वाला है, बहुत ही छोटा सा क्विक सा शॉपिंग हॉल होने वाला है क्योंकि 5-6 आइटम्स ही मैंने शॉप किए हैं. सो विदाउट मच अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी मेरे फेवरेट ये बैंगल सेट. ये इस तरीके से गोल्डन उसके अंदर है और ये मुझे बहुत ज्यादा प्रिटी लगे. इनका डिजाइन आप देख सकते हो कि ये सिंपल गोल नहीं है, कुछ इस तरीके से टेढ़े मेढ़े ज़िगज़ैग पैटर्न में ये बने हुए हैं और यहाँ पर इसमें इस तरीके से बारकोड वाला जो डिजाइन होता है ना वो इसमें दिया हुआ है. सो ये बहुत ज्यादा प्रिटी मुझे लगे और ये 2 का पेयर है तो मैंने इसे डेली वेयर में पहनने के हिसाब से इस तरीके से लिया है कि वैसे डेली में पहनूंगी तो थोड़ा अच्छा लगता है. गोल्ड वाले क्या है कि ज्यादा पहनने पे वो दबने करने लग जाते हैं. सो इनमें वो टेंशन नहीं रहेगी कि कुछ भी किसी भी तरीके से आप इसको रफ यूज कर सकते हो. इसकी प्राइस जो है वो 250 रुपए के अराउंड ये दोनों मिले हैं और इसके रिव्यूज बहुत ही अच्छे थे. सो मैंने इसको परचेस कर लिया है और ये इस तरीके की पैकेजिंग में आया था तो मुझे बहुत ही सही लगा. इस तरीके की इसमें प्लास्टिक एक बॉक्स दिया हुआ है, इसके अंदर में था वो बैंगल सेट और इस तरीके से बबल रैप किया हुआ. तो पैकिंग बहुत अच्छी है और इसमें इंस्ट्रक्शन कार्ड यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है. और ये जो ब्रांड है ये है ज्वेलरी फॉर लेसर JFL, इस ब्रांड का है ये. सो इस तरीके से यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पेस्ट कर दिए गए ताकि मिसप्लेस ना हो और आप इसके हिसाब से केयर कर सको. तो उन्होंने लिखा है कि किसी भी वेलवेट या कॉटन के अंदर नहीं रखना है इसको, इसी के अंदर आपको स्टोर करना है. सो इट्स नाइस, मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है इसका डिज़ाइन भी और इसकी क्वालिटी भी मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है. सो ये मेरा फर्स्ट ज्वेलरी था. सेकेंड जो मैंने ऑर्डर किया है यह शाइनिंग दीवा ब्रांड है, सिंड्रेला ज्वेलरी ये सब इसमें लिखा हुआ है. सो इनका मतलब एक मल्टीपल ब्रेसलेट का सेट था. सो ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से इसके अंदर 4 का ये सेट है, ये इस तरीके से 4 का ये सेट है जिसमें एक ये है, सारे एडजस्टेबल हैं, एक ये है इस तरीके से डायमंड्स जो लगे रहते हैं नग वाले जो रहते हैं और ये है और ये इस तरीके से है. सो ये साथ में पहनने पे बहुत ही अच्छे लगते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ. तो आप इसे इस तरीके से अकेले भी पहन सकते हो अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग और उसके अलावा आप चाहो तो इसको इस तरीके से मिक्स एंड मैच भी कर सकते हो. ये इस तरीके से इसका लुक आएगा. तो ये मल्टीपल हैं, अलग अलग आप सिंगल सिंगल पहनना चाहो, डबल पहनना चाहो या ये इस तरीके से जैसे है ये वाला, तो इस तरीके से आप इसे मल्टीपल वे में पहन सकते हो. सो ये मैंने एक लिया है और इसका भी प्राइस कुछ 250 के अराउंड ही है और डिस्काउंट के बाद ये प्राइस है, इनकी बेसिक कॉस्ट ज़्यादा थी. सो ये मैंने लिया है और ये भी गोल्डन सा ही कलर है और इसके भी रिव्यूज तो अच्छे ही थे. सो इस तरीके से है. सो मुझे लगता है कि मैं इसे सिंगल तो नहीं पहन पाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा पतले हैं. हाँ कभी कभी किसी ड्रेस के साथ जा भी सकते हैं वेस्टर्न वगैरह के साथ में. सो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा सेट है. तो ये इस तरीके से मल्टीपल मतलब 4 आपको मिल जाते हैं 250 के अंदर और इसमें कई सारे डिजाइंस थे, 4 का, 3 का और भी ज्यादा का, सिंगल का भी था. तो मतलब इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, आप जिस तरीके का चाहो उस तरीके का चूज कर सकते हो. तो मैंने ये बेसिकली 4 वाला लिया था और ये इस तरीके की पैकेजिंग में आया था, बॉक्स पैकेजिंग में था, इसमें कोई मतलब एक कार्डबोर्ड बॉक्स है उसी के साथ में ये आया था. सो इसका भी जो प्राइस मैंने आपको बताया 250 रुपीज के अराउंड है. नेक्स्ट मेरा जो ज्वेलरी पीस है वो है, बहुत ज़्यादा प्रिटी है ये ज्वेलरी सेट, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे. और ये है यू बेला ब्रांड का, इस तरीके की बॉक्स पैकेजिंग में ही आया था ये. और ये ब्रेसलेट है जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रिटी लगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया इसको देख के. पार्टी वेयर, टोटली ये पार्टी वेयर ब्रेसलेट है और बहुत हैवी और बहुत ही सुंदर, मतलब जो इसका डिज़ाइनिंग है ना वो बहुत ही अच्छी लगी मुझे, मैं आपको दिखाती हूँ. और इसकी जो क्वालिटी है ना वो भी एकदम क्लासी, जो बोलते हैं ना क्लासी पीस, वो है ये. सो ये इस तरीके का है, वाव, मल्टी कलर में है. सो किसी भी ड्रेस के साथ में ये जाएगा और थोड़ा सा ये ब्रॉड है सो पहनने में भी ये बहुत ही अच्छा सा लुक देगा, बहुत ही स्टाइलिश लुक देगा और ये किसी भी मतलब टाइप ऑफ ड्रेस पे जाएगा, मतलब एथनिक हो. वाव ये देखो आप कितना सुंदर लग रहा है उसमें, ये एक जिस तरीके से चेन लटक रही है सो बहुत ही प्रिटी है और फ्लेक्सिबल है, मतलब बहुत सारे रिस्ट में आ जाएगा.
तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और इस तरीके का यहाँ पर क्लोजर मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ही अच्छा लगा। ये है 500 का, और इसमें क्या है कि इयररिंग्स और रिंग्स, मतलब पूरा पेयर भी था, बहुत सारे ऑप्शंस थे। अगर आप इयररिंग के साथ लेना चाहते हैं या इयररिंग पेंडेंट लेना चाहते हैं या ब्रेसलेट, तीनों चीज़ें लेना चाहते हैं, सब कुछ था। बट मैंने सोचा कि इतना सारा इन्वेस्ट करने से पहले मैं एक चीज़ मंगा के देखूँ कि कैसा है। सो ये है इस तरीके से, इसमें ये क्लोजर है, यहाँ पर ये क्लोज होता है। यस, सो ये इस तरीके से बहुत ही फिनिश्ड, आप देख सकते हो कि बहुत ही फिनिश्ड और बहुत ही ब्राइट इन कलर्स हैं, और ये पीछे का इसमें है। सो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और आपको मतलब मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ये वाला पीस तो ज़रूर परचेस करो, ये बहुत ही अच्छा है। तो ये मैंने लिया है, ये हो गई मेरी ज्वेलरी शॉपिंग। बस ये तीन ज्वेलरीज मैंने ली थी, एक पार्टी वेयर लिया, एक रेगुलर वेयर लिया, और एक मैंने कैजुअल वेयर लिया। सो बेसिकली ये तीनों चीज़ें मैंने ले ली हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ परचेस करना चाहते हो तो आपको मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना नेक्स्ट सेक्शन, जो है कि मेरा क्लोथिंग हॉल। सो क्लोथिंग में मैंने लिया है बेसिकली जैकेट्स, क्योंकि विंटर्स तो वैसे जा रही हैं। सो जाते ही विंटर्स में चीज़ें बहुत ही अच्छी अच्छी मिल जाती है, प्राइस सही मिल जाता है। और एक्चुअली मुझे इस विंटर्स टाइम ही नहीं मिला लेने का, और हमारे यहाँ बेसिकली विंटर्स इतनी पड़ती नहीं है, लेकिन इस बार सच में ठंड बहुत पड़ी। तो मुझे लगा कि अरे यार मेरे पास भी जैकेट्स वगैरह होने चाहिए, पहले थे मेरे पास, फिर मैंने नए कुछ परचेज नहीं किए क्योंकि इतनी विंटर्स यहाँ पड़ती नहीं है। लेकिन इस बार मैंने फिर जाते हुए विंटर में ले लिया है अभी। सो मैंने ये एक जैकेट लिया है, फ्लोरल पैटर्न में ये मैंने जैकेट ली है, ये मुझे अच्छी लग रही थी। इसमें कई ऑप्शंस थे, बेसिकली मैं पिंक उसमें लेना चाहती थी बट वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था जब तक मैं पे करने जाती। सो इसके अंदर ये इस तरीके का पीछे हुडी भी दिया हुआ है, और ये डिटैचेबल है यहाँ पर, मतलब इस तरीके का इसमें जिप है। सो ये डिटैचेबल भी, अगर ये इसके साथ पहनना चाहते हो तो पहन सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे भी पहन सकते हो। सो ये इस तरीके का मैं आपको पहन के दिखाती हूँ, ये ऐसा लगेगा इसमें, मतलब आपकी जो भी हेल्थ होगी उसमें आप डबल लगने वाले हो, बहुत मोटे मोटे से हो जाओगे। बट ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है अंदर से, इसके जो मतलब चीज़ें हैं, यस। सो ये बहुत ज़्यादा गर्म है, और यहाँ पर इसमें इस तरीके से पॉकेट्स हैं, ये आप देख सकते हो। सो ये काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है, और गर्म भी करेगा, थोड़ा फ्लोरल पैटर्न है तो थोड़ा ये फेमिनिन लुक भी दे रहा है। सो हाँ, मतलब मोटे मोटे से फील हो रही हूँ मैं, मुझे खुद को अच्छा लग रहा है। तो ये मुझे मिल गया था करीब 750 रुपये की अराउंड, कुछ ऐसे ही इसका प्राइस था, 800 से कम में था ये। सो ये मैंने लिया है, इसके अंदर ये मतलब मुझे इसका पैटर्न एक्चुअली बहुत पसंद आया, लेकिन हाँ मेरा जो एग्जैक्ट मन था ना वो पिंक, जो इसमें ये पीची कलर है ना उसमें पिंक वाइट का कॉम्बिनेशन था, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, ये भी मुझे ठीक लग रहा है। सो ये है, प्राइस के हिसाब से मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि 750 के हिसाब से ये इतनी अच्छी क्वालिटी का, ये जो इसका बाहर का मटेरियल है काफ़ी अच्छा है। सो ये मुझे बहुत ही सही लग गया, सही प्राइस में पड़ गया, इसलिए मुझे और भी अच्छा लगा। सो ये भी अगर आप परचेस करना चाहते हो तो मैं लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर चेक करना। तो मेरा नेक्स्ट जो पीस है वो अगेन ये एक नाइट सूट है, जो कि मैंने लास्ट मिंत्रा हॉल अपना शेयर किया था ना, उसमें मैंने अपना एक रेड कलर का नाइट सूट आप लोगों के साथ में शेयर किया था। सो ये कुछ उसी टाइप का है, बट इसका कलर जो है वो नेवी ब्लू कलर का है ये, और ये इसका ब्रांड भी दूसरा है। सो ये है जियो ब्रांड, जियो ब्रांड इसका है ये। इसकी भी प्राइस जो है 2699, मतलब 2700 इसकी प्राइस है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये इसी रेंज में जाता है, 1800 2000 2500 इसी रेंज में आता है। सो ये मैंने परचेस किया है अमेजोन से, ये कुछ इस तरीके का है इसका शर्ट, और इसके साथ में इस तरीके का लोअर आता है। सो ये पूरा मतलब इसमें जो है, जैसे वो वाला था वो पूरा प्लेन था, इसके अंदर जो है ये साइड में इस तरीके से पाइपिंग दी हुई है और एक पॉकेट दी है इसमें। यहाँ पर लोअर में सिर्फ एक ही पॉकेट दी है, दोनों साइड पॉकेट नहीं दी है, जबकि जो मेरा पहला मिंत्रा वाला जो था उसके अंदर मुझे दोनों साइड में पॉकेट मिली थी। सो यस, ये है, और इसको भी मैंने ट्राई किया था, ये मुझे बहुत ही कम्फर्टेबल लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे लगा कि जो मेरा जो वो मिंत्रा से जो मैंने नाइट सूट लिया था ना, वो विंटर्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपने चेक नहीं किया ना तो ज़रूर वो वीडियो चेक कीजिएगा, और वो नाइट सूट मेरे हिसाब से सबके पास होना ही चाहिए, वो बहुत ज़्यादा कोजी और बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये वाला भी मैंने ट्राई किया है, अभी मैंने इसको जस्ट ट्राई किया है, मतलब वेयर नहीं किया पूरे नाइट के लिए। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसका जो मटेरियल है ना वो उस वाले मटेरियल से थोड़ा सा लाइट है, तो मुझे लगता है कि अगर विंटर्स में मुझे पहनना पड़े, क्योंकि इसकी जो स्लीव्स है ना ये फुल स्लीव्स हैं,
सो वो वाला मुझे डाउट है कि वो विंटर्स में समर्स के अंदर मुझे थोड़ा सा मतलब गर्मी लग सकती है, लेकिन इसका जो मटेरियल है ना वो थोड़ा सा पतला है, थोड़ा सा लाइट है बॉडी पे. सो ये मुझे लगता है कि जब मैं समर्स में इसको नाइट ड्रेस के हिसाब से पहनूंगी तो ये मुझे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा. सो अकॉर्डिंगली आपको जो भी लेना हो, इसमें भी बहुत सारे कलर ऑप्शंस थे, ये मैंने लिया है नेवी ब्लू. सो इसका भी जो प्राइस है वो उतने ही प्राइस है, 800 के आसपास कुछ इसका प्राइस है. तो मैं लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. सो ये मेरा नेक्स्ट परचेज था. अब आपसे मैं अपनी लास्ट परचेज जो है लास्ट जैकेट वो मैं शेयर करना चाहूंगी, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा. ऑब्वियसली जो भी चीज़ सबसे अच्छी लगती है उसको हम लास्ट में दिखाते हैं, जैसे कि मैंने अपनी ज्वेलरी में भी अभी दिखाया. तो ये जैकेट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और मैं आपको पहले पहन के दिखाती हूँ कि मैं रेजिस्ट नहीं कर पा रही हूँ. सो ये इस तरीके से ये है जैकेट. सो ये एक ब्राउन कलर में, लाइट ब्राउन कलर की जैकेट है और इसकी क्वालिटी वाकई बहुत ज़्यादा अच्छी है. सो ये इस तरीके का लुक देगा आपको, एकदम रॉयल, एकदम ट्रेंडी लुक देने वाला है ये, कंफर्टेबल भी बहुत है. और ये मतलब जो मैंने अभी पहले वाली जैकेट पहनी थी उससे थोड़ी सी मैं इसमें कम मोटी लग रही हूँ. सो इसका जो मटेरियल है ना गर्म तो अंदर से बहुत है, तो इसमें फर नहीं है. जो पहले वाली मैंने आपको जैकेट दिखाई थी उसके अंदर फर लगे हुए थे और इसके अंदर आपको कैप भी नहीं मिलती है, हुडी भी नहीं मिलती है. सो ये है, लेकिन इसकी क्वालिटी उस वाली जैकेट से ज़्यादा अच्छी मुझे लगी. इसकी जो चेन की क्वालिटी है या जो इसका मटेरियल है, जो भी है फिनिश है, वो सब कुछ मुझे इसका ज़्यादा पसंद आ रहा है. और इसका प्राइस भी उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैंने पे किया है. ये मुझे 900 के अंदर मिल गया है, 850 के आसपास कुछ इसका प्राइस है. सो ये मुझे मिल गया है, वो मुझे 750 ऐसा कुछ में मिला है, तो 100 रुपये का अंतर कहीं है. लेकिन हाँ, इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी मुझे लगी, बहुत ही अच्छी जैकेट मुझे लग रही है और मेरे को लगता है सूट भी कर रही है. सो ये जाती हुई विंटर्स में आपको मेरे हिसाब से ले लेना चाहिए. अगर आपका कोई पेंडिंग शॉपिंग रह गई है जैकेट्स वगैरह की तो आप जरूर ले सकते हो. तो इसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगी. सो यस, ये था आज की मेरी शॉपिंग अमेजोन से. अभी नेक्स्ट वीडियो में एक और शॉपिंग शेयर करने वाली हूँ, जिसमें कि मैंने कुछ क्लोथिंग परचेस किए हैं मिंत्रा से. सो अगर आप देखना चाहते हो, वो एथनिक शॉपिंग की है, मतलब कुछ मैंने सूट्स वगैरह परचेस किए हैं. सो अगर आप देखना चाहते हो तो जुड़े रहो मेरे चैनल से. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि जब मैं वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. इनमें से कोई प्रोडक्ट आपको लेना है तो जरूर आप चेकआउट कर सकते हैं अमेज़न पे. और यस, इस वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.